Hello students, so welcome to my channel Clear Your Doubt, and we are going to do this question based on impulse. Okay, let's start. So two balls of mass 1 kg each are connected, ठीक है, by an inextensible massless string, ठीक है. The system is resting. System is resting on a smooth horizontal surface, ठीक है. An impulse of 10 newton second, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, impulse of, okay, so an impulse of 10 newton second is applied to one of the balls at an angle 30 degree, कहाँ गया, okay, sorry, impulse of, आपके पास question होगा, right, so आप देख लेना. एक्चुअली द स्टूडेंट हु आस्क मी अदर्स आई एम शोइंग द क्वेश्चन ओके ऑफ द बॉल्स एट एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉल्स ठीक है ओके इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर ओके एज्यूमिंग द स्ट्रिंग रिमेन्स टाउट आफ्टर द इम्पल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स The magnitude of impulse of the tension is, ठीक है, यही निकालना है. So this is your diagram. So you have two balls, one here, okay, and you are applying an impulse in 10 newton second, impulse of 10 newton second, with 30 degree from the line joining the two balls. This is the line joining the two balls, and देखो इस impulse के बाद भी कह रहा है string remains taut, okay. What does that mean? That means string is there is some tension applied in the string, and that tension is so they are not loosening. So ऐसा नहीं है कि string balls pass में आ जा रहे हैं या फिर जो distance है वो that remains same between the balls. Okay, that means tension will be applied on the string. Okay, now let's start. What you have to do is you have to do the impulse balance on the both the balls, ठीक है, पहले और दूसरे में. अब एक बात बताओ, ये जो balls होंगे उनके motion किधर होगा? आप horizontal direction में, ये table है पूरा, अगर आपको एक box ऐसे, this is the table on which it has been put, okay, ठीक है. तो ये जो बॉल्स हैं, मान लो हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हो ना, आप सोचो कि किधर मोशन होगा, किसी एक थर्ड डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा. नो, डोंट थिंक दैट, बिकॉज स्ट्रिंग इज देयर, अनदर बॉल ऑफ मास 1 केजी इज देयर. और ये भी जरूरी नहीं है कि आपका बॉल जो ये स्ट्रिंग मास सिस्टम है ये इसी डायरेक्शन में जाए, ठीक है. बट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है एक, ये स्ट्रिंग ऐसे हो जा रही है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द डायग्राम, ऐसे इधर नहीं है, ठीक है, एक थर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तब भी उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ओरिजिनल डायरेक्शन में. तो मैं उस वेलोसिटी को v मान रहा हूँ. v, लेट्स एज्यूम दैट v वेलोसिटी से ये वाला बॉल 1 केजी वाला और ये भी 1 केजी वाला सेम लाइन के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है. तो होगा क्या, आप देख पा रहे हो, राइट, ओके, लेट मी एडजस्ट द कैमरा, ओके, फाइन, फोन कैमरा, नॉट दैट कैमरा, ओके. सो लेट मी डू, ओके, इम्पल्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, एफ इंटू डी टी, राइट, एंड एफ इंटू डी टी इज व्हाट, दिस इज द इम्पल्स एंड दिस इज द रेट, नॉट रेट, चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज जस्ट द न्यूटन सेकेंड लॉ. ये डी टी इधर कर देते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, राइट. सो फर्स्ट बॉल पे जो ये वाला है, ठीक है, इस पे अगर मोमेंटम, सॉरी, इम्पल्स बैलेंस लगाओगे, जे इज अ वैक्टर क्वान्टिटी, राइट, तो जे का एक कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगा, जे कॉस 30, राइट, जे कॉस 30, ठीक है, माइनस टेंशन, हमेशा आप बॉल जो भी ऑब्जेक्ट है उससे अवे लगाते, अवे अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट लगाते हो, ठीक है. तो ये टी हो गया,
और सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन यहाँ भी टी लगेगा और इस बॉल पे भी टी लगेगा। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बट दे बग यू समटाइम्स। टी इंटू डी टी ठीक है इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इनिशियली रेस्ट पे है पूरा सिस्टम तो फाइनल मान लो वेलोसिटी वी हमने माना है इन दैट डायरेक्शन, वन इंटू वी माइनस वन इंटू जीरो, दिस इज वन इंटू वी। ऑल राइट वन इंटू वी। जे कितना है 10, 10 इंटू रूट थ्री बाई टू माइनस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू वी। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा इस वाले मास पे लगाते हैं इम्पल्स बैलेंस क्या होगा बताओ। इस पे तो बस टी टेंशन लग रहा है और कोई फोर्स लग रहा है नहीं। ऑन सेकेंड मास ये वाला फर्स्ट पे था टी इंटू डी टी इज इक्वल टू वही सेम। भाई देखो पूरा दोनों सिस्टम अगर एक बार बताओ ये वाला मास किसी और वेलोसिटी से जाता है, ये वाला मास किसी और वेलोसिटी से जाता है ठीक है। मान लो ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो स्ट्रिंग टाउट रह पाती, टाउट या टाइट रह पाती, वो इन टेंशन उसमें रह पाता ठीक है। फैंसी इंग्लिश यूज किया जा रहा है ओके। सो उसमें फिर टेंशन लग नहीं पाता क्योंकि लूज हो जाती राइट, दोनों में के डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता राइट। सो दोनों की वेलोसिटी इसीलिए सेम माना जा रहा है, सेम रहेगा, माना नहीं जा रहा सेम रहेगा। वन इंटू वी माइनस वन इंटू जीरो लिख रहे हैं क्या, कहाँ लिख रहा हूँ मैं ओके हियर सॉरी। टी इंटू डी टी इज इक्वल टू वन इंटू वी माइनस वन इंटू जीरो ओके। एक्चुअली आई एम मेकिंग सम अरेंजमेंट्स टू मेक द वीडियो बेटर ऑन एक्चुअली वाइट बोर्ड और समथिंग, बट इट विल बी डन सून, आई डोंट नो व्हेन बट फाइन। सो टी डी टी इज इक्वल टू वी, ये सेकेंड इक्वेशन। वी की वैल्यू उसमें रख दो टी इंटू डी टी ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू, देखो टी डी टी उधर ले आओगे तो वी प्लस टी डी टी और यहाँ से भी टी डी टी कितना आ गया 2 इंटू टी डी टी। तो टी डी टी ही आपको निकालना है। टी डी टी है क्या, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन। सो टी डी टी इज इक्वल टू ये 2 2 5 कर दो आ गया 5√3/2 ठीक है न्यूटन सेकेंड राइट। आया समझ में? सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके, क्लियर योर डाउट एंड कीप सेंडिंग योर क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क एनी कॉन्सेप्ट और डाउट फ्रॉम फिजिक्स मैथ्स ऑल्सो ओके। सो आइदर यू आर जेई स्टूडेंट और नीट स्टूडेंट यू कैन आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।